स्टूडेंट्स ऑनलाइन तैयारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट वीडियो देखें सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। तो अब जैसे कि आईबीपीएस प्री का पेपर, आईबीपीएस पीओ प्री का पेपर पास आते जा रहा है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाएगा जानना कि यार किस तरीके से आप स्कोर कर सकते हैं 25+ इन रीजनिंग। वो भी हाँ, सभी को पता है सेक्शनल टाइम है, तो 20 मिनट्स में आप कैसे 25+ से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं आईबीपीएस पीओ प्री में। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, किन टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए और कहाँ पे कितना टाइम आपको देना चाहिए कि आप 25+ स्कोर कर पाए आईबीपीएस पीओ प्री रीजनिंग सेक्शन में। तो उसके लिए सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि यार जो टॉपिक आते हैं और जो आएंगे, एक तरीके से ये भी कह सकते हैं आएंगे, क्योंकि ज्यादातर हमने देखा गया एसबीआई प्री से हमने देख लिया, एसबीआई पीओ प्री से देख लिया है। पास्ट ईयर्स जो 2017 में आईबीपीएस पीओ प्री हुआ है उससे हमने एक बार मैच करके देखा कि यार जो टॉपिक आता है तो वही इस बार आने के ज्यादा चांसेस हैं। तो अगर हम देखें जो टॉपिक हमारे पास आएंगे वो क्या है, तो वो है सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट। एक ये टॉपिक है, उसके बाद ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये कम से कम इसके 4 सेट आएंगे, विच मींस 20 मार्क्स। ठीक है, तो 20 मार्क्स का आपके पास पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट आ सकता है ना। जो हम अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो, या फिर एसबीआई पीओ प्री की बात करें उस हिसाब से। अब उसके बाद जो आपके पास एलॉग्स एक टॉपिक है जो कि 5 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है, सिलॉजिज्म, इनइक्वालिटी, तो ये तो जो दो टॉपिक है इनसे सेट आ सकते हैं 5-5 मार्क्स के, 5-5 मार्क्स के सेट आ सकते हैं और ये बहुत इजी होते हैं, इजी टू स्कोर है। मतलब आप यार सीधा आप ना इसमें वेन डायग्राम बना के और इसमें डायरेक्ट बिना पेन चलाए इनइक्वालिटी में आप आंसर दे सकते हो। तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, यहां से अब आपके अगर ये दोनों आ जाते हैं तो यहीं से आपके 30 मार्क्स कवर हो चुके हैं। एक और टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो होगा कोडिंग डिकोडिंग। तो इसका भी 5 मार्क्स का सेट आया था, तो 35 हमारे यहां से जाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि तीनों के सेट आए या तीनों ही सेट ना आए, हो सकता है इनमें से कोई 2 सेट आ जाए या इनमें से कोई 1 आ जाए। तो बाकी जो हमारे टॉपिक होते हैं वो क्या होता है, वो होते हैं मिसलेनियस टॉपिक, जैसे ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड ऑर्डर एंड रैंकिंग। तो ये तो हमारे टॉपिक्स हो गए। उसके बाद जो अभी हमने एसबीआई में रिसेंट चेंजेस देखे हैं, जो यार एसबीआई में हमें देखने के लिए मिला है, वो क्या है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। वो चेंजेस क्या है, एक तो डेटा सफिशिएंसी डीएस जो कि आपके पास 5 मार्क्स की आई थी एसबीआई पीओ प्री में, और इसके अलावा जो दूसरा टॉपिक है वो है इनपुट आउटपुट। ये भी 5 मार्क्स का, ये हमने कुछ शिफ्ट्स में वेरिएशन के साथ देखा है एसबीआई पीओ प्री में। तो हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आईबीपीएस पीओ प्री में भी ये चीजें आ सकती है, डीएस और इनपुट आउटपुट। अब जरूरी नहीं है कि ये भी आएगा और ये आएगा, तो हो सकता है दोनों आए या हो सकता है एक आए। तो इसीलिए हमने अपनी मॉक टेस्ट सीरीज में आपको ये चीजें प्रोवाइड कराई हुई हैं। ऑलरेडी वो इस तरीके से डिजाइन है कि जिसमें कि एसबीआई पीओ प्री भी कवर्ड है और आईबीपीएस पीओ प्री 2017 भी कवर्ड है, जिस तरीके से पैटर्न रहा था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहले ही क्या होता था यार ये चीज मेंस में आनी थी कि यार डेटा सफिशिएंसी और इनपुट आउटपुट तो मेंस में आएगा, तो स्टूडेंट्स यूजुअली छोड़ के चले जाते थे कि यार ठीक है प्री में तो नहीं आएगा तो इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी। बट अब ये चीजें भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इन दोनों की भी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि एग्जाम में आए तो आप शॉक में न रहें कि यार इनपुट आउटपुट कैसे आ गया, तो आपको आना चाहिए। ऑल्दो लॉजिक बहुत सिंपल होगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, आप इजीली कर सकते हो, बट मैं यही सजेस्ट करूंगा कि डेटा सफिशिएंसी या आप लास्ट में करें। क्यों? क्योंकि
यार अगर इजी भी है ना, यहाँ पे मेरे पास टू स्टेटमेंट्स होंगे, दो स्टेटमेंट में आएगा, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू, यहाँ पे मेरे पास दो स्टेटमेंट में आएगा, मेरे को दो स्टेटमेंट सॉल्व करने पड़ेंगे, वो डेफिनेटली इन क्वेश्चन से ज्यादा टाइम लेगा जहां पे सिर्फ मेरे को एक क्वेश्चन सॉल्व करना है यहाँ पे। ऑल दो मेरे पास ऑटोमेटिकली दो क्वेश्चन हो जाते हैं सॉल्व करने के, और उसके बाद मेरे को दोनों को कंबाइन करके भी चेक करना पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइमली प्रोसेस हो जाता है। और अब मेंस तो है नहीं कि डिफरेंशियल मार्किंग है ना, तो यहाँ पे ये भी आपको एक मार्क्स देने वाला है और ये भी आपको एक मार्क्स देने वाला है, तो क्यों ना मैं इसके लिए जाऊं पहले, और अगर मेरे पास लास्ट में टाइम बचता है डेफिनेटली मैं ये करूंगा, है ना। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं यार कि पहले ना पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट छोड़ देते हैं और बाकी सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, कि पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट फर्स्ट जाएंगे तो बाद में करेंगे। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर लास्ट में आपके पास 3 मिनट रह जाते हैं और आपके पास सिर्फ पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट बचता है करने के लिए, तो क्या आप कर पाओगे पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट 3 मिनट में? अगर थोड़ा सा भी वो मॉडरेट लेवल का हो गया नहीं ना, तो वहां पे आपके वो 3 मिनट वेस्ट हो जाएंगे। अगर आप कर भी लोगे तो आंसर नहीं मार्क कर पाओगे, तो इसलिए पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट पहले कर लो, बाद के लिए क्वेश्चंस रखो जो 1-1 मार्क्स के होंगे। अगर 3 मिनट भी रह जाते हैं तो आप 4 या 5 क्वेश्चंस कर लो, तो इस तरीके से आपको अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करनी है, इस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। सबसे ज्यादा फोकस इस पे रखना है, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट। ये टॉपिक जो आएगा 20 मार्क्स का होगा, कम से कम टाइम देना है किसी भी एक क्वेश्चन में। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप फंस गए हो, ज्यादा टाइम नहीं देना है आपको, निकलना है वहां से। अगर हम यहीं से देखें, मैं कह रहा हूँ 20 मार्क्स का पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट है, मैं नहीं कह रहा हूँ आपने सारी पजल कर ली, आपने 3 पजल भी यहाँ से कर ली, तो 50 मार्क्स आपके यहाँ से हुए। उसके बाद अगर ये 5-5 मार्क्स के सेट भी आते हैं तो आप डेफिनेटली 4 यहाँ से कर लोगे, और ये मैं कम से कम मान रहा हूँ, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए कि आप यहाँ से 4 करो, क्योंकि सिलॉजिज्म है, इनइक्वालिटी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है ना तो आप सारे कर लोगे, ऐसा कुछ होगा नहीं कि यार ये बहुत डिफिकल्ट आगे नहीं होगा। तो हो सकता है कि यार एक आपने 30 सेकंड में करा तो दूसरा 40 सेकंड ले गया, बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हो ही जाएगा। बट स्टिल मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ कि यार यहाँ पे आपने 4 स्कोर कर लिया, यहाँ पे आपने 4 स्कोर कर लिया, 8 मार्क्स आपने यहीं से हो गए, तो 23 मार्क्स आप यहीं पे स्कोर कर चुके हो। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से कोई भी 2 टॉपिक आए हैं इन तीनों में से, तो यहाँ से ब्लड रिलेशन डायरेक्शन ऑर्डर एंड रैंकिंग बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके अल्फाबेट बेस्ड भी मिलेंगे, अल्फाबेट और नंबर बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे कुछ, तो अल्फाबेट एंड नंबर बेस्ड क्वेश्चन जो आपके मिलेंगे वो 2 से 3 क्वेश्चन इतने आपको मिल सकते हैं। तो ये एकदम से इजी क्वेश्चंस होते हैं, तो यहाँ से ये 2 और 3 मार्क्स आप और फेच कर सकते हो। अब डिपेंड करता है आपकी स्पीड कितनी है, आपकी टाइम कितनी है। टॉपिक सारे ऐसे हैं जहां पे आप स्कोर कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट जहां पे स्कोर कर लिया तो बाकी सब टॉपिक में आप कर लोगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको सिर्फ 3-4 टॉपिक है जिनको आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से रखने, बाकी सब बेसिक है कि आप इंस्ट्रक्शन पढ़ के कर लोगे, बट आपको प्रैक्टिस चाहिए कि आपकी स्पीड ज्यादा हो, तो उस हिसाब से आप यहाँ से 2-3 क्वेश्चन कर सकते हो, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन कर सकते हो, और वहीं पे आपका स्कोर हो जाता है 28 या 29। अब रीजनिंग सेक्शन है, मैं यहाँ पे बात नहीं करूंगा कि आपने अगर 30 अटेम्प्ट करे तो मैं मानता हूँ कि आपके 5 गलत है, और उसके बाद फिर 25, और फिर मैं नेगेटिव मार्किंग हटा के वो सब कि आपका इतना स्कोर आया, ऐसा नहीं है, ठीक है। रीजनिंग है, क्वांट है, आपकी 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए, इंग्लिश नहीं है, तो इसलिए आप जो भी करो एक्यूरेसी के साथ करो। अगर आप 24 कर रहे हो ना, मैं कह रहा हूँ 25 प्लस छोड़ देते हैं, अगर आप 24 भी कर रहे हो ना तो वो 24 के 24 सही होने चाहिए, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए क्वेश्चन गलत हो जाए, क्योंकि अगर आप रीजनिंग और क्वांट में एक्यूरेसी नहीं अचीव कर पा रहे हो तो इंग्लिश में आगे आपको प्रॉब्लम डेफिनेटली होगी, और वो आपका स्कोर इफेक्ट करेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब है, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसका मतलब है 1.25 मार्क्स, क्योंकि ये तो जा ही रहा है, जो जा रहा है दूसरा ये अपने साथ नेगेटिव में 0.25 भी लेके जा रहा है। तो एक क्वेश्चन को 1 मार्क्स का ना समझ के 1.25 का समझो, अगर आप उसे गलत कर रहे हो, छोड़ रहे हो तो 1 मार्क्स का, तो छोड़ना ज्यादा बेटर है गलत करने से। तो ये आपको एक बेसिक से क्लियर कर दिया मैंने कि क्या क्या टॉपिक्स आपके आ सकते हैं, किस मार्क्स, कितने मार्क्स में, और आपको उन्हें किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, पहले क्या अटेम्प्ट करना है, बाद में क्या अटेम्प्ट करना है। ज्यादा प्रैक्टिस करो, आपको खुद पता चलेगा कि किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। लास्ट टाइम में कोई नए टॉपिक पे मत जाओ, जो टॉपिक आपके ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है बस उनकी प्रैक्टिस करो। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आपको ये सेशन हेल्पफुल रहा होगा, आपकी एक स्ट्रेटेजी को एक थोड़ी सी डायरेक्शन मिली होगी कि हाँ इस तरीके से करना है। पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट ज्यादा फोकस रखना है स्टार्टिंग से ही, ये नहीं क्योंकि कि स्किप कर करके मैं क्वेश्चन सर्च कर रहा हूँ, पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट आया ओके ठीक है यार, क्योंकि अब मेरे पास 20 मिनट से इतना टाइम नहीं है कि मैं पहले तो 1 या 2 मिनट क्वेश्चन सर्च करने में लगाऊं, 2 मिनट में वहां 2 क्वेश्चन कर सकता हूँ,
तो सिंपल क्वेश्चंस करना शुरू कर दो एग्जाम आते ही। अगर नहीं आ रहा है तो फिर तो डेफिनेटली आपको स्किप करना ही है, तो आप स्किप कर सकते हो और किसी भी क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम नहीं देना है। तो आई होप यू लाइक दिस सेशन। अगर आप चाहते हो कि किसी इसी तरीके से किसी और टॉपिक पे या कोई भी आपका कोई भी टॉपिक हो, कोई प्रॉब्लम हो, किसी चीज पर हम डिस्कस करें, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। और आपका आगे आईबीपीएस पीओ आ रहा है, उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क की लास्ट डेट है 10th of October, तो फॉर्म फिल कर देना, सिर्फ एक दिन रह गया लास्ट डे का, वेट मत करना। तो थैंक यू एंड गुड बाय।